जी पोर्ट्रेट मैंने नहीं बनाया, मेरी मेरी बेटी हैं, 4.5 साल की हैं, मात्र 4.5 साल की हैं, उन्होंने ये स्केच बनाया एक। एक्चुअली मुझे न्यूज़ देखने की बहुत आदत है, तो न्यूज़ जब भी देखता हूँ मोदी जी जब भी उसमें दिखते हैं, तो मेरी बेटी उनको मोदी जी को अपने दादाजी से कंपेयर करती हैं, दोनों के बाल सफ़ेद हैं, तो अपने अपने दादाजी से कंपेयर करती हैं और मोदी जी को मोदी दादू कहकर ही बुलाती हैं। तो उन्होंने एक स्केच बनाया जहाँ पर एक तरफ मोदी जी का चेहरा था, एक तरफ उनके दादू का चेहरा था और बीच में भारत का झंडा था और नीचे उन्होंने लिखा जय हिंद। थोड़ी थोड़ी राष्ट्रवाद की भावना अभी से ही उनके दिल में दिखती है। तो ये स्केच उन्होंने बनाया था, हम भी काफ़ी हैरान थे, घर वाले भी काफ़ी हैरान थे कि इतना उसने सोच कैसे लिया। तो यही स्केच जो है हमने सोचा कि मोदी जी तक भेजने का ट्राई करते हैं, तो वो हमने भेजा मोदी जी को। अब हमारे हमें भी विश्वास नहीं हुआ, मोदी जी के ऑफिस के तरफ से रिस्पॉन्स भी आया, पीएमओ ने वापस एक चिट्ठी लिखा, उस चिट्ठी में पीएमओ ने मोदी जी ने लिखा है अंग्रेजी, हालांकि चिट्ठी अंग्रेज़ी में है, उसमें मोदी जी ने लिखा कि भारत का भविष्य ज़रूर अच्छे हाथों में दिखता है, उनकी कला की तारीफ करी और बताया कि जिस इंसान में, जिस बच्चे में इस तरह की भावना हो तो ज़रूर ही भारत का भविष्य अच्छे हाथों में है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तक मोदी जी की लाइफ है, जब तक मोदी जी की ज़िंदगी है, इतना काम वो कर गए कि जब तक वो चुनाव लड़ेंगे, जब तक वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहेंगे, तब तक वो प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। तो काम मोदी जी का गिनाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, दिखता है ज़मीन पर, चाहे सड़कों का जाल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, जो भी फील्ड, कुछ भी फील्ड आप पकड़ लीजिए, डिफेंस का सेक्टर पकड़ लीजिए, हेल्थ का सेक्टर पकड़ लीजिए, बहुत काम हुआ है। तो गिनाने की मुझे, मेरे ख्याल से मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है।